क्या बनने से पहले ही बिखरने लगा है महागठबंधन? आखिर खतरे में क्यों पड़ गई है विपक्षी एकता? बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम रंग लाती नजर नहीं आ रही। पहले जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को करारा झटका दिया और अब खबर है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साथ लेफ्ट पार्टियां भी 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में होने वाली लालू की रैली से किनारा कर सकती हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली करने वाले हैं। इस रैली में शामिल होने के लिए लालू ने तमाम बीजेपी विरोधी पार्टी के नेताओं को न्योता दिया, लेकिन विपक्ष को एक मंच पर लाने की लालू की ये मुहिम एकदम फ्लॉप होती नजर आ रही है। पहले ये माना जा रहा था कि इस रैली में कोई आए या ना आए, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट, एसपी और बीएसपी के नेता जरूर शामिल होंगे। लेकिन लालू यादव को उस वक्त जोर का झटका लगा जब ये खबर सामने आई कि मायावती ने इस रैली में जाने से इनकार कर दिया है। अब खबर है कि लेफ्ट पार्टियां भी लालू की इस रैली से दूरी बना सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लेफ्ट पार्टियां भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नेताओं के साथ मंच साझा करने से हिचकिचा रही हैं। ऐसे में लेफ्ट के भी इस रैली में शामिल होने को लेकर सस्पेंस कायम हो गया है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने एक अखबार को बताया कि लालू की रैली में शामिल होने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसको लेकर सभी 6 लेफ्ट पार्टियां मीटिंग करेंगी, जिसके बाद ही कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा। जाहिर है अगर मायावती के साथ साथ लेफ्ट पार्टियों ने भी लालू की रैली से किनारा कर लिया तो फिर ये विपक्षी एकता के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।